झुंझुनू में भाजपा की जन आक्रोश रैली सभा समाप्त होने के बाद विधायक और भाजपा प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने मीडिया से बातचीत के दौरान प्रदेश में भर्ती घोटाले पर पीसीसी चीफ और पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा पर निशाना साधा। रामलाल शर्मा ने कहा, बहु को सासरा कैसा भी मिले पर ससुर डोटासरा जैसा ही मिलना चाहिए। देखिए पूरा वीडियो। भ्रष्टाचार के आकड़ में डूबी हुई सरकार है और आज तो नारे भी इस बात के लगने लगे हैं पूरे राजस्थान के अंदर कि बेटी को सासरा चाहे कैसा भी देना, लेकिन अगर ससुर दे तो वो डोटासरा जैसे देना, ताकि उनके परिवार के लोगों का भला होता रहे। तो एक तरीके से राजस्थान की सरकार भारतीय जनता पार्टी अपना जन आक्रोश कार्यक्रम तीन चरणों के अंदर कर रही है। पहले चरण में हमने उपखंड स्तर के ऊपर कार्यक्रम किया, दूसरे चरण के अंदर हम जिला स्तर के ऊपर कर रहे हैं और तीसरे चरण के अंदर पूरे प्रदेश का एक कार्यक्रम जन आक्रोश कम करेंगे। हमारे मुद्दे वही है, कानून बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था, जिससे कर्ज माफी के आधार पर बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने के नाम पर सरकार सत्ता के अंदर आई है। उसके बाद में आज भी राजस्थान के अंदर 1.5 लाख पद रिक्त पड़े हैं। आज भी एक भी एग्जाम ऐसी नहीं है कि जिस एग्जाम को पारदर्शिता के साथ सरकार ने कराने का काम किया हो। मेहनत और परिश्रम करने वाले बच्चे 2 साल 3 साल तक कमरा किराया लेकर घर के पैसों खर्च करके 3 साल से तैयारी कर रहे थे, वो तैयारी करने वाले तो पीछे रह गए और मुन्ना भाई आगे आ गए। भ्रष्टाचार के प्रमाणित होने के बावजूद भी सरकार ने रिट की परीक्षा को निरस्त करने का काम नहीं किया और आनन फानन के अंदर परीक्षा का परिणाम जारी करने का काम किया। RPSC जो एक संवैधानिक संस्था है, जिसके ऊपर लोगों को विश्वास है, राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता को विश्वास था, उस RPSC की दशा ऐसे ही कर दी कि सरकार में बैठे हुए नुमाइंदों के बच्चों के तो 80 80 80 तीनों के ही 80 80 अंक आना और बाकी विद्यार्थी जो गरीब आदमी का विद्यार्थी है उसके अंक नहीं आना, इस बात को प्रमाणित करता है कि राजस्थान के अंदर कोई भी एग्जाम पूरी ईमानदारी के साथ नहीं हो रही। भ्रष्टाचार के आकड़ में डूबी हुई सरकार है और आज तो नारे भी इस बात के लगने लगे हैं पूरे राजस्थान के अंदर कि बेटी को सासरा चाहे कैसा भी देना, लेकिन अगर ससुर दे तो वो डोटासरा जैसे देना, ताकि उनके परिवार के लोगों का भला होता रहे। तो